चंडीगढ़ की नई इलेक्ट्रिकल बस जो शुरुआत की गई है उसकी उसकी स्टेशन की है, चार्जिंग स्टेशन की। सो फ्रेंड्स, फोटोग्राफी कलेक्शन है यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखिए फ्रेंड्स, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी तस्वीर लगाई गई है जो कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह कलेक्ट करती है अलग अलग सोसाइटी से। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए, एक ये है पिक्चर और एक ये जो फ्रेंड्स फोटोग्राफी कलेक्शन है यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखिए फ्रेंड्स, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी तस्वीर लगाई गई है जो कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह कलेक्ट करती है अलग अलग सोसाइटी से। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए, एक ये है पिक्चर और एक ये जो चंडीगढ़ की नई इलेक्ट्रिकल बस जो शुरुआत की गई है उसकी उसकी स्टेशन की है, चार्जिंग स्टेशन की। तो वहाँ की एक फ़ोटो दर्शाई गई है यहाँ पे। और एक ये देखिए, यहाँ पे जो बस स्टॉप रहता है चंडीगढ़ की, अलग अलग जगहों पे बस स्टॉप रहता है, तो ये वहाँ की है। ये इलेक्ट्रिकल बस भी यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं दिखाता हूँ आपको। एंड फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप देख सकते हो, चंडीगढ़ की जो पिक्चर है ये, जो बाईसाइकिल के जो स्टैंड्स होते हैं उनकी एक पिक्चर दर्शाई गई है। ये सेक्टर 17 का जो बस स्टैंड है वहाँ की एक पिक्चर है फ्रेंड्स। ये ऑन रोड की पिक्चर है जो इलेक्ट्रिकल बस स्टार्ट की गई है चंडीगढ़ में, आप देख सकते हो। एज यू कैन सी, ये भी साइकिल स्टैंड की पिक्चर है किसी सेक्टर की, आई थिंक ये 17 सेक्टर की है मे बी शायद। और ये आप देख सकते हो, ये हेलीपैड है, इससे कई बार आपने देखा होगा चंडीगढ़ के ऊपर इसको घूमते हुए देखा होगा। तो ये पिक्चर है, और ये जो आप देख रहे हो सुखना लेक की पिक्चर है चंडीगढ़ की। और ये जो पिक्चर है फ्रेंड्स, ये जो अंडरपास है सेक्टर 16 और 17 के बिटवीन, तो ये वो है अंडरपास, वो दिखाया गया है। और आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है, ये बर्ड पार्क जो न्यू बनाया गया है वहाँ की पिक्चर होगी जो सुखना लेक के नियर पड़ती है। तो ये फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर यहाँ पे, वेट एंड ड्राई, ये सिंबल दर्शाता है कि गीला और सूखा कचड़ा जो है वो आप गाड़ियों में आप डाल सकते हैं, या फिर गीला और जो सूखा कचड़ा है वो आप अलग अलग रखिए, तो ये चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे। एंड ये, हाँ फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, ये देखिए, ये चंडीगढ़ की है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको कहाँ है ये। तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ के आईटी पार्क की है ये पिक्चर। आईटी पार्क में आप जैसे ही एंटर करते हो, आप अगर जो कृष्णा चौ जो किशनगढ़ का जो चौक है वहाँ से आप राइट लेते हो और राइट जाते हो आईटी पार्क की तरफ, तब आपको ये इस तरह का, ये जो डीटी मॉल है आप देख सकते हो, डीटी मॉल है, लाइटों से राइट लेते हैं डीटी मॉल स्टार्ट हो जाता है, तो ये वहाँ की पिक्चर है। एंड ये फिर आ गई आपकी चंडीगढ़ की बाईसाइकिल की पिक्चर, आप देख सकते हो एज यू कैन सी, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ यस फ्रेंड, ये आपकी पिक्चर आ गई है। ये सुखना लेक पे है, ये बच्चों के खेलने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, तो ये वहाँ की है। आप अगर सुखना लेक गए हो तो आपको पता होगा, ये पहले तो सिर्फ जंपिंग का था और भी थोड़ा वो था, बट अभी तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या सेक्शन बना दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड पार्क की एक फ़ोटो दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। अभी मैंने इसको देखा तो है, ये लगा हुआ है सेक्टर जो 26 का ट्रांसपोर्ट चौक है, तो वहाँ पे लगा हुआ है ये एयर प्योरीफायर है दोस्तों, एयर फिल्टर है, एयर को प्योरीफाई करता है ये, वो टावर बनाया गया है। इसका भी कभी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, मैंने देखा तो था इसको आते हुए जाते हुए कभी,
ठीक है फ्रेंड्स। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये पता नहीं कहाँ की है, आई डोंट नो, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। एंड फिर ये वंस अगेन ये फिर से साइकिल स्टैंड की आ गई फोटो, किसी सेक्टर की है। हाँ दोस्तों आगे आ जाते हैं, ये आ गया आपका सतारा सेक्टर। दोस्तों कोई भी होगा तो देख के बता देगा सतारा सेक्टर है, तो इस तरह का कोई सतारा सेक्टर है। ये नीचे अगर हम आते हैं तो ये बर्ड पार्क की तस्वीर है, यहाँ लगाई गई है। तो ओवरऑल चंडीगढ़ की जितनी भी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं और जो दिखानी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है ये, ताकि दो लोग अलग अलग रूट से अगर आ रहे हैं, अलग अलग रूट से आ रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट इसमें दिख जाता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसके लिए शायद लगाया गया है, दिखाया गया है। और नीचे आ जाते हैं, फिर ये एयर सेक्टर 26 की है, एयर फिल्टर की। और आगे जाते हैं, ये नाइट की है, सेक्टर 26 की फिल्टर की, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फोटो क्लिक की है किसी ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का नाम भी लिखा हुआ है, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, किसी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, श्री गीतांश गौतम, ऐसा कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स कोई फोटोग्राफर्स होंगे, ये देखिए ये उद्घाटन जब किया गया था, मुझे जहाँ तक लगता है बीपी सिंह बदनौर जी हैं इसमें, जो उद्घाटन किया गया था साइकिलिंग का स्टैंड का। तो चंडीगढ़ में साइकिल स्टैंड भी है, इसके ऊपर वीडियो अभी लानी बाकी है, मैंने वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग शूट करने का। तो इस तरह कुछ चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर में साइकिल स्टैंड दिए गए हैं, और इसमें GPS वगैरह भी लगा होता है, तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से 4-5 रुपये जो पर किलोमीटर या घंटे का कुछ लगता है। आप ये देख सकते हैं, ये मटका चौंक की है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए, ये बर्ड पार्क की है पिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, मैं इसके बैक साइड देख लेता हूँ, शायद इसके बैक साइड ना लगा, बैक साइड भी है, बैक साइड में आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं बैक साइड से, हाँ यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ की है, शायद 17 सेक्टर की तो नहीं लग रही। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक पिक्चर है, और आगे आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये पिक्चर जो है इसमें मेंशन भी तो नहीं है कि पिक्चर कहाँ की है, बट मेरे को लग रहा है सेक्टर 17 में ही कहीं की गार्डन की है पिक्चर। ये तो सेक्टर 17 सेक्टर की पिक्चर है, कंफर्म है, ये भी सेक्टर 17 की पिक्चर। और ये आप देख सकते हो गार्डन ऑफ साइलेंस, जो लेक से थोड़ा ही सा दूर जाके है, वहाँ की आप देख सकते हो फोटो है ये गार्डन ऑफ साइलेंस, वहाँ की वीडियो भी लानी बाकी है, वहाँ की वीडियो भी मैं लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, नए लोग जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड ब्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, नए नए अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और मैं दिखाता हूँ मैं आपको, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं दोस्तों। ये भी सतारा सेक्टर की है दोस्तों, ये देखिए फैमिली घूम रही है और फाउंटेन चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये फिर से हेलीपैड वो आ गया, हेलीकॉप्टर जो होता है, अपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा इसको। ये चंडीगढ़ मैंने काफ़ी कई बार देखा है, चंडीगढ़ के ऊपर ये नज़र वगैरह रखता है, देखता रहता है, मतलब घूमता रहता है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए। और ये फिर से वंस अगेन आई थिंक किसी पार्क की है, अच्छा यहीं की है, सेक्टर 16 की है ये, जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहीं की है, सेक्टर 10 के ऑपोजिट से जब हम एंटर करते हैं सेक्टर 16 में, वहाँ की। और आइए आपके 16 और सेक्टर 17 के बिटवीन जो अंडर पास बनाया गया है, ये वहाँ की है, और ये भी अंडर पास की है। एंड ये पिक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पिक्चर आई थिंक यहीं कहीं की है, मेरे समझ से परे है, ये भी अंडर पास की है, वहाँ स्केटिंग वगैरह करते हैं, ये उस टाइम की है जब पेंटिंग वगैरह नहीं लगाई गई थी, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए कुछ भी खाली है, यहाँ नहीं लगाया कुछ भी, और आगे चलते हैं।
दो दिन पहले हम लोग वही स्टे करेंगे और वही मंदिर में सेवा करेंगे। ये भी अंडरपास की है फ्रंट से, ठीक है। और ठीक है ये जो जैपनीज गार्डन है ये वहाँ की दिखाई गई है, फोटो खींची हुई है जैपनीज गार्डन में फ्रेंड से, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिए, फुल डिटेल है, फुल वीडियो है, फुल ब्लॉग है उस पर। एंड ये गार्डन, ये जगह तो मुझे नहीं पता कहाँ की है, बट मैं देखूँगा कहाँ की है ये और ज़रूर इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। एंड वंस अगेन ये मे बी लेक की है, आगे लेक की वीडियो फोटो आ गई है और आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से इलेक्ट्रिकल बस की दिखाई गई है चौक के साथ में, ये भी चौक के साथ में इलेक्ट्रिकल बस। ये देखिए सुखना लेक की फोटो है, कितनी बेहतरीन ब्यूटीफुल फोटो खींची है किसी ने, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। ये नाइट टाइम में किसी ने खींची है, शाम के टाइम बहुत ही सनलाइट में बहुत ही बढ़िया। ये फिर से 26 सेक्टर की चौक की फोटो खींची है किसी ने। अरे आ गया आपका फिर से साइकिल स्टैंड। दोस्तों ये सारा आपने देखा अभी सेक्शन, सारा का सारा ये फोटोग्राफी का सेक्शन था। ठीक है, एक कंपटीशन था दोस्तों, कंपटीशन में दिखाना चाहूँगा आपको मैं। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ रोज़ फेस्टिवल 25 फरवरी टू 27 फरवरी 2022 फोटोग्राफी कंपटीशन हेल्ड इन एसोसिएट विद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़। दोस्तों बाकी की डिटेल आप देख सकते हो। नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स 60 फोटोग्राफर्स थे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स 113 फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई, बट मुझे लगा नहीं 113 थी। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ डिस्प्लेड, अच्छा डिस्प्लेड 52 हैं। तो 252 फोटोज तो होंगी जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। तो दोस्तों ये था कॉम्पिटिशन फोटोग्राफर का, तो ये सेक्शन आपने देखा। चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ।